चलिए पहले जो दैनिक क्रम है वो करेंगे। रेस्टन अटेंशन, रेस्टन। देखो प्रेयर के लिए आप लोग तेज आवाज़ बोला करें, एक साथ बोला करें। राष्ट्रगान भी थोड़ा धीमे बोलते हैं, तेज आवाज़ में और एक लय में, समय को ध्यान में रखते हुए। कुछ लोग जल्दी बोल देते हैं, कुछ धीरे धीरे बोलते हैं। एक लय होती है राष्ट्रगान की, उसके हिसाब से आप लोग सब मोबाइल में सुन लो, घर पर जाके अपने अपने देख लो मोबाइल में राष्ट्रगान कैसे गाया गया है, वैसे आप याद करो, उसी हिसाब से बोलिए, ठीक है, तब अच्छा लगेगा। अटेंशन, चलिए प्रे पोजिशन, प्रे स्टार्ट, 1 2 3। ओ गॉड, बी थैंक, डी फोर, डी नाइन, एंड फोर, डी प्रेजेंट, वन इलाइट, फोर रेस, एंड फूड, एंड लविंग, केयर, एंड ऑल, दैट मेक्स, गावन, सोफियर, हेल्प अस, सुडू, दाथिंग, बेसोड, टू बी, टू अदर, काइंड एंड गुड, इन ऑल, बी डू, इन ऑल, बी से, राष्ट्रगान एक लय में एक साथ तेज आवाज में स्टार्ट, 1 2 3। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उजल जलध तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जया गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। रेस्टन, प्लेज पोजिशन, स्टार्ट। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वाइड हेरिटेज, आई शैल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वन ऑफ इट, आई शैल गिव माई पेरेंट्स टीचर्स एंड ऑल एल्डर्स रेस्पेक्ट एंड ट्रीट एवरीवन विद कर्टेसी टू माई कंट्री एंड माई पीपल, आई प्लेज माई डिवोशन इन देयर वेलबींग एंड प्रॉस्पेरिटी अलोन लाइज माई हैप्पीनेस। थैंक्स। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। जैसा कि हमने बताया था कि रोज़ एक पीटी कराएंगे छोटी सी, डिफरेंट पीटी क्या करें आप लोग, सेम पीटी ना करें। आज भी एक पीटी होगी, बुलाएंगे किसी बच्चे को, सुंदर सा बच्चा कौन है, बहुत ब्रिलियंट। चलिए शीतल मौर्य, स्टूडेंट ऑफ एर्थ क्लास शीतल मौर्य, ये बहुत ही सुंदर पीटी करेंगे। जैसा मैंने कल बताया था कि पीटी जो है फिजिकल ट्रेनिंग हमारे जीवन का एक अंग है, हमें इसे हमेशा अपनाए रखना चाहिए। रोज़ कोई ना कोई पीटी, कोई योगा अभ्यास, एक्सरसाइज, आप लोग जो देखते हो जॉगिंग वॉगिंग वगैरह, वो करते रहना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। चलिए एक सुंदर सी पीटी कराए बेटे। रेस्टन अटेंशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 रेस्ट एंड टेंशन। बहुत सुंदर। अब मैं बुलाऊंगा महक, महक प्लीज मंच पर आ जाए। ये बहुत ही सुंदर बच्ची और बहुत ही सुंदर पोयम, इसकी आवाज़ इतनी मधुर है। अगर मैं आदरणीय लता मंगेशकर जी से अगर कंपेयर करूं तो ये कहीं कम नहीं है उनसे। बहुत ही सुंदर पोयम ये सुनाएंगी। बहुत ऊंचा हो रहा है अभी तो भाई, ज़ोर से बोलना। अच्छा बेटे पहले अपना नाम बताना है। देखो छोटी सी बच्ची कितने अच्छे ढंग से आपको पोयम सुनाएंगी,
जोर से बोलो, सुनाओ पहले नाम बताओ अपना। महक। वेरी गुड, सुनाओ। तुम्हें तो बहुत सारी पोएम्स आती हैं, सुना दो बेटे। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। देख रहे हो कितनी जरासी बच्ची और मंच पे सबके सामने कितने बेझिझक बोल रही हैं। आपको नहीं पता कि माइक के सामने खड़े होकर बोलना या पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलना, किसी मंच पर बोलना सबसे दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। हकीकत है ये। अच्छे अच्छे वक्ता होते हैं, उनके भी नीचे पैर कांपने लगते हैं मंच के सामने आकर। ये रियलिटी है बच्चों। बहुत सुंदर, जाइए, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे मेरी बात पर ध्यान देंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है बच्चों, बहुत ही खुशी का समय है। बहुत समय से आप लोग की, बड़े बच्चों की एक समस्या थी कि सर केमिस्ट्री का टीचर अलग होना चाहिए। आप लोग की शिकायत थी एक ही सर केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, एक ही मैथ पढ़ा देते हैं, वही फिजिक्स पढ़ा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको जो केमिस्ट्री की जो दिक्कत है सब्जेक्ट पढ़ाने की, वो कल से ख़त्म हो गई। आज तो नहीं, जो सर आपको पढ़ाने आए थे भी दो दिन पहले शायद बतौर डेमो, उनको सिलेक्ट कर लिया गया है, डील पक्की हो गई है। वो कल से आपके विद्यालय में आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उपस्थित मिलेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है आप लोग के लिए। एक डिफरेंट चेहरा, बहुत ही काबिल सर हैं और बहुत जुझारू हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमने देखा था पढ़ाते हुए। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत सारे बच्चे देखिए अनु मैम को याद कर रहे थे काफ़ी समय से कि सर अनु मैम नहीं आएंगी क्या, अनु मैम नहीं आएंगी क्या। अब देखो मैम भी आपके बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से मैम का स्वागत किया जाए। और बस बस बस, ज़्यादा नहीं हजम नहीं होगा वरना यार। इससे भी ज़्यादा खुशी की बात और है, हमारे बीच एक और नई टीचर, हमारे क्षेत्रीय की बहुत ही जुझारू, बहुत ही काबिल, आपको मैथ फिजिक्स ये कठिन विषय जो पढ़ाने का जज्बा रखती हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले अन्नू मैम को मंच पर बुलाना चाहूँगा। आप दो शब्द बच्चों के लिए कुछ बोलें आज, उसके बाद शिखा राठौर जो हमारे बीच आज उपस्थित हैं, मैम के बाद आपका टर्न है यहाँ कुछ बोलने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग मिस किए तो मैं भी की, हालांकि सर ने बहुत बार कहा लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाई। अब डेली आऊंगी, अच्छा पढ़ाऊंगी, खूब खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी और आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। बहुत सुंदर। और डेली आना होगा, ऐसा नहीं कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए। आपका भी मिस होता है, होता है ना, फिर आप बैक हो जाते, अरे मैम ने ये पढ़ाया था। तो आप डेली आएंगे तो आप वैसे ही तेज होते जाएंगे, इसलिए रोज स्कूल आना है और हम लोग खूब अच्छे से पढ़ाएंगे, सभी अच्छे यहाँ टीचर हैं। ठीक है, ओके। देखिए प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बातें मैम ने आपको बताई। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय की नई अध्यापिका मिस शिखा राठौर, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप मंच पर आएँ और अपने विषय में, विद्यालय के विषय में बच्चों के लिए कुछ संबोधित करें।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वैसे तो आप सभी मुझे जानते होंगे, मेरा नाम शिखा राठौर है और मैं ग्राम जोगी ठेर से आई हूँ और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से पढ़ाने की, अच्छे से पढ़ाऊँगी और रेगुलर आऊँगी। और आप भी मेहनत कीजिए मेरे साथ ताकि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ और आप भी पढ़िए, जिससे आप अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकें। हमारा विद्यालय बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान करता है और आप सभी मेहनत करके शिक्षा ग्रहण कीजिए। बहुत सुंदर, शाबाश। और एक मिनट, देखो इससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे किस किस मुकाम पे पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही खुशी का विषय है। शायद इस क्षेत्र के और विद्यालय के बच्चे शायद ऐसे नहीं बन पा रहे हैं जैसे कि हमारे विद्यालय के बच्चे बन पा रहे हैं। अब आप शिखा राठौर हैं, आपने भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की है पिछले समय में और इस काबिल बन गई हैं कि आपको फिर आप पढ़ाने के लिए आई हैं, कितनी खुशी की बात है। अरे आप भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन करोगे तो तभी जब आप मेहनत कर पाओगे, समझ गए ना। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, मुझे पता है, आई नो वेरी वेल। आज कोई बचेगा नहीं आज कोई नहीं बचेगा आज, क्योंकि आज मौसम बड़ा सुहावना है, आप लोग और समझ रहे होंगे, है ना। आज मौसम बहुत सुहावना है, ठंडा मौसम है, हवा अच्छी चल रही है। कल परसों बड़ी गर्मी रही थी, ओके। चलिए देखिए, आज सभी टीचर्स आए हैं और सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मैं जिसको भी यहाँ बुलाऊँ वो सबको यहाँ पर आना है, मना कोई नहीं करेगा। और नहीं नहीं, नए पुराने सब आएंगे, आज बात कुछ नहीं, बारी बारी से सभी को यहाँ आना है, दो दो सर सबको बोलने हैं। तो मैं अब आगे बुलाना चाहूँगा मिस राखी मैम के लिए कि वो आप मंच पर आएँ और अपने विद्यालय के बारे में बच्चों के लिए कुछ संबोधित करें। ज़ोरदार तालियों से स्वागत। मिल गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ सभी की बुक्स आ गई होंगी, जैसे कि अब मैं डेली आऊँगी तो आप भी डेली आइए और मेहनत से पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, मैम ने समय को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छी बातें बोल दी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि हिंदी वाली मैम प्रियंका मैम आप मंच पर आएं और बच्चों को संबोधित करें। देखो मैम का हिंदी में कोई जोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आप देखते हो कि किस अच्छे तरीके से, किस अच्छे लहजे में मैम आपको हिंदी पढ़ाती हैं गा गा कर। मैं तो कल्पना ही करता रह जाता हूँ कि मैं ऐसे कैसे कब बोल पाऊँगा, हकीकत है। नहीं, आई शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आप सभी जानते हैं मैं हर क्लास में हिंदी पढ़ाती हूं और जितना मैंने आपके बड़े और छोटे, हम ऐसा नहीं कि हम बड़ों से ही कुछ सीखते हैं, हम छोटों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। जो मैंने आपसे सीखा, आपको देख के जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मोटिवेशन प्राप्त हुआ, तो मैं चाहती हूँ आप भी अपने बड़े और छोटे से सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सीखने की ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा होती है, ना कोई भेद होता है, ना कोई भाव होता है। आप जिस भाव से जो भाव ग्रहण करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। प्रेम से सीखेंगे तो आपको प्रेम भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा और साथ में ज्ञान भी मिलेगा। आपको जहाँ से जो सीखने को मिले वो सीखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब इसके बाद रचना भाई मंच पर आ जाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो नया सेशन आपका दो दिन से कंटिन्यू चल रहा है,
बहुत खुशी हुई कि बच्चे शुरुआत में इतने अच्छे आ रहे हैं, वरना पहले जब जुलाई में स्कूल खुलता था तो 2, 4, 6 ऐसे बच्चे बढ़ते थे। बहुत अच्छा लग रहा है, आज पूरी स्कूल हमारा भरा हुआ है, बच्चे अच्छे खासे आए हैं। ऐसे ही अपनी जनसंख्या को बढ़ाइए और स्कूल को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाइए। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा समन मैम के लिए, आप भी मंच पर आएँ और अपने विचार रखें। तालियां बजा दो जोर से बच्चों। आइए आगे कौन सी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए सारे बच्चे स्कूल आज 3 तारीख से खुली गया है। जो भी बच्चे इस समय नहीं आ रहे हैं उनसे बोलो कि स्कूल चलें, और आप भी रेगुलर स्कूल आइए, जिससे आपका छूटा हुआ जो भी काम है वो भी पूरा हो जाए। अगर रेगुलर आओगे तो अच्छे से आप सीख पाओगे, और रेगुलर नहीं आओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। बहुत सुंदर। हमें बुलाना चाहूँगा प्रियंका गंगवार मैम के लिए, आप भी मंच पर आ जाएं और अपने विचार रखें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और सुनाओ बच्चों क्या हाल है। देखो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि सारे बच्चों को रेगुलर स्कूल आना है, कोई भी बच्चा छुट्टी ना करे, ठीक है। और आपके आसपास जो भी बच्चा है उससे कहो कि भाई स्कूल खुल गया है, आप लोगों को डेली स्कूल आना है। थैंक यू। बहुत सुंदर। अब मैं चाहूँगा कि शीतल मैम मंच पर आएं और अपने मुखारविंद से बच्चों को संबोधित करें। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि डेली स्कूल आइए और समय पर आइए और मेहनत से पढ़ाई करिए, और जो समझ में ना आए आपको बार बार अपने टीचर से पूछिए। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे विचार। अभी लेडी टीचर्स में एक टीचर बची हैं, वो थोड़ा बिजी हैं मैं देख रहा हूँ, इसलिए उनको बाद में बुलाएंगे। आगे देखिए आप लोग, मित्र देखिए, लुक एट मी प्लीज़। अब हम जेंट्स की बारी आ जाती है, मैं भी हूँ साथ में, मैं तो बोल ही रहा हूँ, है ना। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बहुत ही काबिल मेहनती टीचर हरवंश सर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि समय को ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को बच्चों से पेश करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देखिए आप सभी को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप यहाँ पर अभी अध्ययन करने आ रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। जैसा कि हमने आपको बताया, कई बार बताया कि पढ़ने में आप कहीं ना कहीं आप कम रहते हो, तो आपके लिए क्या है, एक लक्ष्य को बनाकर चलना है कि ये चीज़ हमें आज सीखनी है। तो उसी तरीके से डेली आप जो है उस चीज़ को सीखें और बहुत ही आगे बढ़ जाएंगे जब आप धीरे धीरे चीज़ों को कलेक्ट करते रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो धीरे धीरे चीज़ें जब हम अपने माइंड के अंदर सेट करते रहेंगे अच्छी चीज़ों को, तो बहुत ही एक दिन हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर बातें सर ने बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे हमसे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे सारे टीचर से। अब मैं चाहूँगा प्रशांत सर से कि आप मंच पर आएँ और अपने विचार पेश करें। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स,
मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करें और अच्छे से सभी टीचरों का सम्मान भी किया करें। बस बहुत सुंदर। अब मेरा निवेदन है हमारे बहुत ही विद्यालय के सब बच्चों के बहुत प्रिय, बहुत ही कर्मठ, समर्पित माननीय श्री भूपेंद्र से कि आप भी मंच पर आएं और हम लोग को अपने विचारों से अनुग्रहित करें, आशीर्वचन हम लोग को दें। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत सरकार। सभी स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, सभी विद्यालय का स्टाफ हमारा यहाँ आ रहा है और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए, मेहनत से पढ़िए। मैं सबसे ज़्यादा इसी बात पर जोर देता हूँ, जब भी बोलता हूँ मैं यही कहता हूँ कि मेहनत से पढ़ो, क्योंकि आप मेहनत से पढ़ेंगे देखिए तभी कुछ कर पाएंगे भविष्य में, वरना आपका आना व्यर्थ है। और देखिए स्टाफ फुल आ रहा है, सारे क्लासेस सारे पीरियड टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगेंगे अब, और आप खूब बढ़िया करके पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है अपने टीचर से पूछिए, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। पढ़ाई पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है, मैं चाहता हूँ आप मेहनत से पढ़ें, यही मेरा, मैं जब भी आता हूँ यही इसी बात को सबसे ज़्यादा प्रेशराइज करके कहता हूँ, तो आप मेहनत से पढ़ें बस यही। बहुत सुंदर। अब देखो प्यारे बच्चों, आज आपने सभी टीचर्स से कुछ ना कुछ सुना, कुछ ना कुछ सीखा, और मैं तो रोज़ बताता ही हूँ, कोई ना कोई कहानी बता देता हूँ कभी कभी। अब आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी देर हो गए खड़े खड़े, थोड़ी बोरियत सी महसूस कर रहे होंगे आप, एक मिनट तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय के एक तरह से कह सकते हैं MD सर, संस्थापक मैनेजर सर, आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी अपने विचारों को हमारे सम्मुख रखें, हम लोग को अनुग्रहित करें। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले बच्चों के लिए गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत गौर से सुनेंगे, और देखो मेरी बात पे आप अमल करना। पहले दिन जब सभी बच्चे आए थे तो टीचर्स भी कम आए थे, हो सकता है कि एक दो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अब टीचर लोग कम ही आएंगे। दूसरे दिन बच्चे बढ़े, टीचर भी बढ़ गए, और आज तीसरा दिन है, और आज मैं समझता हूँ कि सभी टीचर्स हैं, सिर्फ हमारे पुराने बायो वाले जो सर हैं आसिक अली सर, उनका आज लास्ट पेपर है DLED का, हालांकि उन्होंने BED भी पास कर लिया है, तो आज उनका लास्ट पेपर है, वो कल से आएंगे। और आपको, आप आसिक अली सर के बारे में जानते हैं, MSc बायोलॉजी हैं वो, और कितने काबिल हैं ये तो आपको सभी को मालूम है। तो कल से वो पढ़ाएंगे, सिंह मैम आ चुकी हैं जो बहुत ही काबिल, मुझसे भी ज़्यादा काबिल हैं ये। और देखिए जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट टीचर हैं हमारे बीच में, जिनके लिए मैं पिछली साल भी मनाता रहा कि बच्चे, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि ये हमारे बच्चों को भी आके इंटेलिजेंट बना देंगे। तो पिछली साल भी मैंने शिखा राठौड़ से कहा था कि आप जो है सेवा का मौका दीजिए, लेकिन पिछली साल इन्होंने कहीं ना कहीं शर्मा रही थी, हेजिटेशन था, और इस साल मैंने फिर से कहा, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे से हबस कहा जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे के लिए एक तो स्कूल में बहुत सारी जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलते हैं, और जब वो टीचर, इंटेलिजेंट टीचर बच्चों के बीच में आता है तो बच्चे भी काबिल हो जाते हैं। तो इस साल मैंने फिर से कहा और ये मेरी बात को मान गई हैं, इनके लिए जो है बहुत बहुत मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से थैंक यू। और ये बहुत, तो अभी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कल से हमारे बीच में महाधुरेंद्र सर, महाकाबिल आएंगे, उनका नाम है कुमार प्रशांत, कई राउंड कल उनसे जो है बात हुई तो फाइनल डील हो गई है, कल से सुबह ही आ जाएंगे, और वो आपके लिए जो है केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैथ भी बहुत ही धुरंधर, एक सवाल मैंने बहुत टफ ऐसे ही पूछ लिया तो उन्होंने लिखा भी नहीं, जिस सवाल पे सभी लोग अटक गए थे
तो मैंने कहा भैया तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर मैंने सोचा कि यार ये काबिल टीचर हैं, इनको किसी तरीके से मनाओ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात के लिए, जब तक टीचर काबिल नहीं होगा बच्चा कभी काबिल नहीं हो सकता। अगर अच्छा टीचर है तभी बच्चा अच्छा होगा। और आप ये देखिए हमारे यहाँ कैसी कैसी फैकल्टी है, इंग्लिश में आप देख लीजिए दो दो तीन तीन टीचर्स हैं, मैथ में देख लीजिए दो दो तीन तीन फैकल्टी हैं, ऐसे ही हमारे पास फिजिक्स और बायो एक से एक काबिल टीचर्स हैं। और इतने पर भी अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता है, कोई भटकना चाहता है, तो भाई कौन रोक सकता है। वो एक शेर नहीं है कि आना बाहर का जाना बाहर का, इसमें भी कोई राज है परवर दिगार का। अगर कोई बच्चा आरपी पब्लिक स्कूल में आ रहा है तो समझ लो बच्चा नहीं आ रहा है, उसके लिए ईश्वर ने भेजा है, माता रानी ने भेजा है कि जाओ आरपी पब्लिक स्कूल में चले जाओ और अपना नसीब बना के आ जाओ। और अगर कोई बच्चा यहाँ से जा रहा है तो वो नहीं जा रहा है, उसको सनीचर खींच रहा है कि तेरे नसीब में गरीबी है दरिंदगी है, तू आरपी पब्लिक स्कूल से निकल। और आप देख लो जो जो बच्चे यहाँ से निकले उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि सर से और पढ़ लेते, और जो जो बच्चे यहाँ पर आ गए उन्हें जिंदगी भर इस चीज़ का खुशी होगी कि हम आ गए और मेहनत से पढ़े और आज काबिल हो गए। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आपका फैसला आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी का फैसला आपके मम्मी पापा के हाथ में है। ज़रा आपने लोभ लालच किया, ज़रा आप भटक गए तो सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इस और आपने अच्छा फैसला लिया, आरपी पब्लिक स्कूल में आ गए और चार बच्चों को आपने और बता दिया, तो आपका इतना फायदा होगा एक दिन जो आप कार से घूम रहे होगे और जो है जानते हो देसी घी लगी हुई रोटी खा रहे होगे और मुंह से दुआ निकल रही होगी कि थैंक यू राजू सर, थैंक यू आरपी पब्लिक स्कूल। और जरा भटक गए तो आप समझ लो। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए, और ये समाज ये देश आपकी तरफ देख रहा है, कुछ करके दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर विचार सुनने रखे हमारे बीच। अब बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा। ये दो बच्चे जो ये ड्रेस बना के लाए, हाँ ये दोनों, और असद चलो इन दोनों को भेजो मेरे पास। आप दोनों ऊपर आ जाओ मंच पर, और आप भी आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ बेटे ऊपर आ जाओ प्लीज़। मैम एक बच्चा है जो इस लाल टी शर्ट के आगे वाला जय वाला, आप आ जाओ बेटे, शाबाश। देखो बच्चों आपको पता है कि हमारे विद्यालय में नया ड्रेस कोड लागू हो गया है, इन बच्चों ने देखो ड्रेस बनवाई है, अच्छी है, लेकिन अभी थोड़ा फ़र्क दिखाते हैं आपको हम, आ जाओ बेटे शाबाश। देखो इन दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा हो आपके लिए, ये जो कपड़ा है ड्रेस का ये वाला, ये हम लोगों ने सेलेक्ट किया अपने विद्यालय के लिए, और ये बच्चे थोड़ा सा चेंज लेकर आए हैं, इनका हल्का कलर है और जो चेक है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो प्यारे बच्चों ये वाला लेना है कपड़ा आपको, ये ले लिया कोई बात नहीं, इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, अब तो ले लिया तो ले लिया, लेकिन बाकी बच्चे जो ड्रेस लेंगे वो ये वाला कपड़ा लेंगे, ठीक है। ध्यान से कोई कपड़े के कत्तर आप यहाँ विद्यालय से ले जाना है टुकड़ा थोड़ा सा सर से, और तब लेके आना, लेकिन ऐसा ही लाना, ये वाला नहीं, ये थोड़ा हल्का है, समझ गए प्यारे बच्चों। अच्छा आप लोग ये बताएं जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल नए कितने बच्चे हमारे विद्यालय में आए, हाथ ऊपर करें जरा, जिनका नया एडमिशन हुआ है इस साल, जिनका इसी साल एडमिशन हुआ है, काफ़ी बच्चे हैं भाई। अच्छा एक बात और, जो नए बच्चे हैं उनके साबित सभी की बुक्स आ गई बच्चों, जो नए जिनके हाथ ऊपर हैं सबकी बुक्स आ गई, वेरी गुड। देखिए कितना लगन है इन बच्चों के अंदर, अभी एडमिशन हुआ है तुरंत किताबें भी ले आए, वरना कुछ बच्चे तो टाल मटोल करते हैं कि अभी नहीं कल नहीं परसों, तब तक काफ़ी पढ़ाई उनकी पिछड़ जाती है। आप लोग जाओ अब ध्यान रखना। अच्छा कल हमने कुछ बातें बताई थी बच्चों विद्यालय के चैनल के बारे में, बहुत सारे बच्चों ने हाथ ऊपर किया था जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हमने कल चैनल का नाम भी बताए थे, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, वीडियोस देखी होंगी कुछ बच्चों ने। अच्छा और कितने बच्चों ने सब्सक्राइब किया कल चैनल, हमने बताया था तीन चैनल हैं हमारे विद्यालय के, जिसमें दो इस समय चालू हैं, एक आने वाले समय में चालू होगा। एक चैनल है आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर सेवीगंज बरेली, इसको आप यूट्यूब पर जाएंगे सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा,
और तुरंत सब्सक्राइब का बटन, बेल का बटन दबा देंगे, आपको सारी वीडियो भी डाल के सब मिल जाया करेंगी। कोई बच्चे नहीं आते हैं स्कूल 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उस बीच में जो पढ़ाया जाएगा वो आपको भाई मिल जाएगा, घर बैठे फ़ोन पे आप पढ़ सकते हो, कितना फ़ायदा है आप लोग के लिए। और एक चैनल और है जो सभी के लिए अच्छा है लेकिन बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है, इंग्लिश भाई राजू सर, इंग्लिश भाई राजू प्रजापति सर, ऐसे यही चैनल है। इसमें सर जो हैं बड़े क्लास की इंग्लिश कम्पिटेटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इंग्लिश की कोई दिक्कत है उस पर आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग विद्यालय में ही पढ़ाते हैं आपको, लेकिन किसी कारण से कोई बच्चा दूर है, आपसे दूर है, रिश्तेदारी में है, उसको आप बता सकते हो, वहाँ भी वो इंग्लिश पढ़ सकता है। समझ गए प्यारे बच्चों? तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मेरी तो यही आपसे इच्छा है और आशा है कि आप कल तक सारे बच्चे चैनल पे ये ठोक देंगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, जैसे कि आपको भी इंग्लिश का थोड़ा फ़ायदा मिल सके। और भी विषय पढ़ाए जाएंगे, सारे विषय आपको चैनल पर मिलेंगे, हिंदी भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, साइंस भी मिलेगी, सब विषय मिलेंगे। अब विद्यालय खुला है तो धीरे धीरे सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और रोज़ स्कूल आएंगे, मन से आएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। जो नए बच्चे हैं धीरे धीरे अपने ड्रेस बनवा लेंगे, बुक्स सारे बच्चे ले लेंगे और सारे बच्चे जूते भी ले लेंगे, क्योंकि बिना जूते के अच्छा नहीं लगता विद्यालय में आते हुए। और आज शीतल मैम, आज आप नॉमिनेट कर देना सारे बच्चों को, कल से नॉमिनेटेड बच्चे भी यहाँ पर मंच पर अपना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, तो आज काफ़ी लंबा समय आपको खड़े हुए हो गया, बहुत सारी बातें आपने सुन ली सारे टीचर्स के मुख से, अब आज की वाणी यहीं पर संपन्न होती है। थैंक यू।